सन्मान जो गुरु सत्संग जी फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया सागर दोतर कहिए क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोले अवधू नानक देहो सचा बेजारो। योग मत गोरख दे नाल जो चरम सीमा ते पहुंचिया सी, जिस दी लपेट दे भारत आया जोगियां दी लपेट दे। गुरु नानक देव जी महाराज दे समय तक पहुंचदिया कुछ मरदम बह गया, सारे जोगी रिधियां सिधियां दे ची उलझ के रह गए। किसे नूं जीवन दा लक्ष्य समझ लिया, बस करामात नूं खुदा मन लिया, रिद्धि सिद्धि नूं प्रभु मन लिया। जदके गुरबाणी ऐसा कहिंदी है, रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मनाए। कोई मनुख धन करके रुक जांदा है, कोई रूप करके रुक जांदा है, कोई प्रभुता करके रुक जांदा है, धार्मिक मनुखां दी सुरत रुक जांदी है रिद्धियां सिद्धियां करके। साहिबान ने सावधान किया, सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे भाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे। भावे तेन करामाता मिल गए, रिदिया सिद्धियां मिल गए, मत किसे ची रुक जाए। मैं ते ओ पुरुष भी देखे ने रिद्धि सिद्धि भी कोई नहीं, प्रभुता ची रुक गए। कई प्रभुता ची नहीं रुके, धन संपदा ची रुक गए। कई धन संपदा दे ची नहीं रुके, बस रंग रूप दे ची परिवार दे ची रुक के रह गए। इस तो अगे कोई दुनिया है पता ही कोई नहीं, बोध ही नहीं है। तो चरपट एक गल तस्लीम करता है, भावे ये को रिधियां ते सिधियां सन, यह मैं अर्ज करा, क्योंकि जोगियां का यह मुखी सी लोहरी पा और चरपट ये मुखी सन। तो कुदरती गले जोगियां दे जेड़ा मुखी सी उसने गुरु नानक नाल चर्चा करनी सी। सिद्ध गोष्ठ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बड़ी कीमती बाणी। किसी वक्त दोबारा मिलाप होया तो सिद्ध गोष्ठ दे बाकी अंग गोरख नूं संबोधन करदे आया, भरतरी नूं संबोधन करदे आया, बड़े बड़े योगियां नूं संबोधन करदे आया, गुरु नानक ने की आख्या। और इतनी गल ते स्पष्ट है जो धार्मिक दुनिया च इतने अगे जा चुके सन कि रिद्धि सिद्धियां ते रुक गए, उन्हां दे प्रश्न मामूली नहीं सन। मन मत हौली बोले बोल, महाराज की बाणी कहिंदी जिहदे बोल हौले ने, जिहदी ख्वाहिश मामूली है, जिहदी इच्छा तुच्छ है, ये मनुख कोई खास नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिहदे बोल हौले, जिहदियां इच्छावां मामूली, जिहदियां ख्वाहिशां बचकाने, ये कोई बंदा खास नहीं है, ऐवें ही है। पर जिसदे बोल बड़े बुलंद उच्चे, जिहदियां ख्वाहिशां संसार नूं पार कर जांदियां ने ते निरंकार की तलब करदियां ने, ये महान है। ख्वाहिश ते भगत दे अंदर भी है, ख्वाहिश ते आम मनुख दे अंदर भी है, ख्वाहिश ते बच्चे दे अंदर भी है, खिडौने आंदी खिडौने चाहिए, ख्वाहिश ते उसके अंदर भी है, ख्वाहिश जवान ते बुढ़े च भी है, जरा खिडौने वड्डे चाहिए ने। ख्वाहिश एक भगत दे अंदर है, प्रभु चाहिए है, परमात्मा चाहिए है, पार जाना है। मनुख नूं इच्छावां तोड़ दियां ने, इच्छावां मनुख जो भी कर्म करता है इच्छा वस हो के करता है, उंज नहीं कर सकता। इच्छा दे बीज अलग अलग ने, कुछ इच्छा लोभ तो पैदा होती है, कुछ इच्छा अहंकार तो पैदा होती है, कुछ इच्छा काम तो पैदा होती है, कुछ इच्छा मोह तो पैदा होती है, कुछ इच्छा क्रोध तो पैदा होती है। और फिर मनुख उस इच्छा की पूर्ति वास्ते कुछ कर्म करता है।
उस इच्छा नूं पाया तकमील तक लै जाण वास्ते कुछ करदा है। पर एक भगत दे अंदर भी इच्छा है, उस दे अंदर परमात्मा दी इच्छा है, प्रभु दी इच्छा है, पार जाण दी इच्छा है। तो चूंकि ये इच्छा है तो इस करके वो कर्म करदा है। इस वास्ते गुरबाणी ते ऐसा कहिंदी है, निरिच्छित होना है औखा कठिन है। इस शब्द नूं अगां तोरन तो पहले मैं इतना अर्ज कर दिया, विद्वान ऐसा कहिंदे ने कि कलिष्ट पुरुष शरीर 40 दिन भोजन तो बिना रह सकता है, जिंदा रह सकता है 40 दिन। शरीर विच जिहड़ी चर्बी है वो इसनूं 40 दिन जिंदा रखेगी। वैसे फेरू मान ने मरण वर्त रखिया सी, मैनूं याद है 73 दिन जिंदा रहा सी। पर कहिंदे ने किसी ने फ्रांस देश भी इस तरह का अनुसरण किया, 74 दिन रहा सी, 1 दिन का फर्क सी फेरू मान विच। तो उस तो यह सोचने का मैनूं मौका मिलिया भी 73 दिन कोई बिना रोटी दे रह सकता है, 73 दिन। पर आम ग्रंथाचार्य ऐसा कहते हैं 40 दिन एक आम शरीर रोटी तो बिना रह सकता है, 3 दिन पानी तो बिना भी रह सकता है, 8 मिनट श्वासों तो बिना भी रह सकता है। प्राणायाम की जो साधना करते हैं रोक लेते हैं। इस तरह के सैकड़े बंदे तो दिल्ली के ने जो प्राणायाम करते हैं, सवेरे सवेरे पार्कों च बैठे होंगे करते हैं प्राणायाम की साधना। श्वास गहरे लेने, लंबे लेने, रोकने। तो मैं दोहरावा, 40 दिन मनुख रोटी तो बिना रह सकता है, 3 दिन पानी तो बिना भी रह सकता है, 8 मिनट श्वासा तो बिना भी रह सकता है, इच्छा तो बिना, ख्वाहिश तो बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, चलती है, चलती है। और ख्वाहिश ही मनुख नु कर्म ते प्रेरित करती है। असी जो कुछ करते हैं पिछों ख्वाहिशा धक्के मार दी ने, ख्वाहिश कर्म करने ते मजबूर कर दी है, ऐ तू कर। और इच्छा ते सारे कर लेंदे ने, पर इच्छा की पूर्ति लई कर्म करना कहिंदे ने ए इच्छा क्रियामान हो गई है। इस इच्छा ने मनुख नूं कर्म करने ते मजबूर कर दिता है। जैसे किसी दे अंदर इच्छा है चोरी करिए, कमजोर है जे नहीं कर सकता, समाज का डर है, कानून का डर है, पर इच्छा इतनी बलवान हो गई, इच्छा इतनी शक्तिशाली हो गई, समाज का डर गया, कानून का डर गया, कर ली चोरी। सफलता मिली नहीं मिली वो गल वखरी, चोरी करन ते तैयार हो गए। नाम जपना है, अमृत छकना है, इच्छा अंदर उठना है अमृत वेले। गुरु का अमृत पान करके रब दे नाम अमृत नो जीवन विच प्रगट करना है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम, वो अमृत जो इस देही विच है। किसी वक्त फिर अर्ज करांगा, कहने अमृत का कुंभ सागर दे चो निकलिया जब दानवा ते देवत्या ने मिल के मंथन किया, समुंदर का खीर सागर का मंथन किया, उहदे चो निकले 14 रतन। केड़े 14 रतन? इन्हां दी गिणती इस तरह करदे ने, श्रीमन रंभा वारणी अमी संख गजराज, विखधन ससी कलबतर धनक धनंतर बाज। ये 14 रतन श्री श्री कहने लक्ष्मी नूं, पुराणक मिथ्यास प्रसन्न मिथ्यास कहने ने कहानी गल बना के की, इतिहास कहने ने इतिहास के अर्थ ने इतिहास इस तरह हो रहा है, मिथिहास
इस तरह होया नहीं पर मैं आख्या, इस तरह होया नहीं पर मैं लिखया, इस तरह होया नहीं पर मैं बोलिया। इन्हों कहते हैं मिथ्यास, मिथ के गल की है, बना के गल की है, मिथ्यास इतिहास ऐसा होया है, ये जो मैं आख्या ऐसा होया है, ये जो मैं लिखे है ऐसा होया है, ऐसा है इतिहास। पुराण 90वीं सदी मिथ्यास है। कुछ विद्वान तो ऐसा मनते ने बाइबल 95वीं सदी मिथ्यास है। रामायण तुलसीकृत 60वीं सदी इतिहास है, 20वीं सदी मिथ्यास है। उदेच 20वीं सदी यथार्थ वचन ने सिद्धांत है, परमात्मा का ज्ञान है। मैं फिर दोहरावा, 60वीं सदी रामायण दिच इतिहास है। राम का जन्म, उदी जवानी, वो पढ़िया कितों, किवें पढ़िया, विशिष्ट दा किवें चेला बनिया, विश्वामित्र कोल किवें शस्त्र विद्या सीखी। दो गुरु, दो ही गुरु कृष्ण दे, दो ही गुरु राम दे। शस्त्र विद्या कृष्ण ने सीखी सी दुर्वासे कोल, शास्त्र विद्या कृष्ण ने सीखी संदीपन कोल पुजैन दे। शस्त्र विद्या राम ने सीखी विश्वामित्र कोल, शास्त्र विद्या परमात्मा का ज्ञान पढ़िया राम ने ऋषि विशिष्ट दे कोल। 60वीं सदी इतिहास है रामायण दे, 20वीं सदी मिथिहास है, मिथ के गल्ला, बना के गल्ला, कहानियां। 20वीं सदी सिद्धांतिक नुकता है, सच है, भाव परमात्मा का ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान है। हुण मैं अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च इतिहास नहीं है। तुसी लभना चाहो गुरु नानक का जन्म कित्थे होया, कदों होया, नहीं लिखिया है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कितनी उम्र सी, पत्नी का नाम की सी, माता पिता कौन सन, बच्चे कितने सन, नहीं है। किसी भी गुरु का इतिहास नहीं है, भावें जोत एक है, काया बदलती रही। थोड़ा शक में दूर कर दें, क्योंकि शक पाण वाले बथेरे आते हैं। अज की साइंस सफल हो गई है, एक मनुख दे शरीर दे अंग दूजे शरीर दे पा देंगे ने, किडनी किसी भी किसी नूं ला देंगे ने, अखां किसी दियां ने किसी नूं लगा देंगे ने। और जब कभी ऐसी गल चले तो भाई गुरमुख सिंह दीवाना वैंकूवर कनेडा दे मेरे सामने आ जाते हैं, गुरुद्वारा साहब दे हैड ग्रंथी हुंदे ने। मैं जब मिलिया उन्होंने तो देखता ही रह गया, क्योंकि मैं होंगकोंग उन्होंने देखता रहा सी, हुण देखिया। हस के मैनु कहन लगे, मस्कीन जी तुसी घोर घोर के जिहड़ा मैनु देख लिया ना, मेरे चेहरे नू मैं समझ लिया, मेरी अखां देख लिया ना, ये नीलियां ने ना, ये मेरियां अपनियां नहीं ने, मेरियां अखां खराब हो गईयां सन। ये एक अंग्रेज कनेडियन दी अखां ने, मैनू आई बैंक तो मिलिया ने, लगाईया ने, डोनेट होईया ने, मैनु मिलिया ने। मैं एक अंग्रेज की अखां नाल थानू देख रहा, मेरी अपनी अखां नहीं रही। साइंस का कमाल, अखां किसी दियां ने, लगाईया किसी नूं गईयां ने, किडनी किसी दी है, लगाई किसी नूं गई है, खून किसी दा है, कढ़ के पाया किसी नूं गया है। साइंस अज दे युग विच इह सफलता प्राप्त कर चुकी है। धर्म ने हजारां साल पहले सफलता प्राप्त कीती सी, जिहड़ा रब्बी अनुभवी ज्ञान है वो प्रगट ते किसे थां होया है, पर सारा उड़ेल के किसे होर मन विच पाया जा सकता है। ये अस्थूल शरीर दे अंदर किसे होर शरीर विच पाए जा सकते ने, वो मन दा अनुभवी ज्ञान कढ़ के किसे होर विच पाया जा सकता है। आद काल तो धर्म इस विच सफल रहा है। उस अनुभवी ज्ञान नूं जोत कहिंदे ने, जोत कहते हैं, कट के
गुरु नानक ने लहने के अंदर पा दिता। पहले देखते रहे कई दिन कि किस दे अंदर पाई है, ये जोत किस दे अंदर उड़ेली है। उन्होंने अपने बच्चे चूंकि श्री चंद जन्म तो ही त्यागी, उन्होंने ग्रस्त दे च भी विश्वास नहीं सी, लगता पिछले संस्कार ऐसे सन और मन धन तो रजिया होया, पदार्थां तो रजिया होया, परिवार का मोह नहीं। छोटे होंदे ने सतगुरु नूं कुछ ऐसा पुरश चाहिदा सी जो इस ज्ञान दे च वाधा करे, जगत दे च वंडे फैलावे। तो लैणा आप नूं ऐसा दिसिया, ओ रब्बी जोत, ओ अनुभवी ज्ञान अपने विचों कढ़ के लैणे दे अंदर पा दिता। कल तक ऐसा सी लैणा परिक्रमा करदा सी, लैणा अपना मस्तक गुरु नानक दे कदमां ते रखदा सी। अज गुरु नानक ने परिक्रमा कीती ते गुरु नानक ने अपना मस्तक लैणे दे कदमां ते रख दिता। जोत गुरु है, ज्ञान गुरु है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो। वो जो ज्ञान गुरु सी वह लैणे दे अंदर, हुण ते काया रह गई तो काया नूं झुकणा पिया परिक्रमा लैणे दी। गुरु नानक ने अपना मस्तक लैणे दे कदमां ते रख दिता। लैणे दी फेराज नानका धोई, खटिए दुनिया हैरान हो गई है। और यही कुछ अगां चल के धन गुरु अंगद देव जी ने कीता, यही गुरु अमरदास ने कीता। बिरद बाबा गुरु अमरदास 84 साल दे बिरद बिल्कुल जवान ने, धन गुरु रामदास जी महाराज भाई जेठा जी बिल्कुल जवान ने, हाथ जोड़ के जो भाई जेठा हर वक्त खड़े रहते सन परिक्रमा करते सन, अज परिक्रमा गुरु अमरदास ने कीती है। अज इस बिरद बाबे ने अपना मस्तक गुरु रामदास के कदमों से रख दिता है, सजदा कीता है। जोत गुरु है, अनुभवी प्रकाश गुरु है, शब्द गुरु है, ये उड़ेल के अपने अंदरों कढ़ के दूसरे च पाया जा सकता है। घर नूं अरबी विच कहिंदे ने महल, ते जिथे बहुत वड्डा महल होवे, मकान होवे, ते बहुत सारे उन्हों कहिंदे ने महल्ला। भारत विच अज भी गलियां नूं कहिंदे ने महल्ला, महल्ला बहुत सारे मकान, ते बहुत वड्डा मकान होवे जो कई मकानां वर्गा एक दिखाई देवे, महल। महल दा मतलब मकान, महल्ला बहुत कई मकाना वर्गा एक मकान, महान मकान। महल्ला पहला, वो मकान पहला जिस विच जोत बोली परमात्मा दा ज्ञान उजागर होया। महल्ला दूजा, महल बदल गया, घर बदल गया, अनुभवी ज्ञान नहीं बदलिया, जोत नहीं बदली। जोत ओहा जुगत सह काया फेर पलटी है, काया ते महल है, महल बनते ने डेंदे ने किरदे ने। जोत अमर है, नूर अमर है, महल्ला तीजा, जोत ते ओई है, ज्ञान ओई, अनुभव ओई, घर तीजा, महल बदल गया, टिकाणा बदल गया। तो देखो मैं अपना घर बदल लवा, मैं अपना टिकाणा बदल लवा, बारों ही लई है गल, तो मैं थोड़ी ही बदलिया, मैं घर बदलिया, शरीर बदलते है, ज्ञान हो ही है, जोत हो ही है। जोत ओहा जुगत सह काया फेर पलट गए, मल्ला पंजवा हो गया। यके बा देख रहे, फिर महल भी लोड़ नहीं सी। जो कुछ मकान विच रह के करना सी वो पूरा हो गया। एक मनुख नू सिख बनाना सी, सिख दा मतलब मैं सीखना चाहना, मैं कबूल करदा मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच नू नहीं जानता, मैं परमात्मा नू नहीं जानता, मैं सीखना चाहना, ऐसा भाव पैदा हो रहे सिख। ये सदी बड़ी हंकारी सदी,
ये युग बड़ा अहंकारी युग, मैं सब कुछ जानता, मैंने सब कुछ पता है। जिस दिन का अहंकार बढ़ता जा रहा है, धर्म मनुखी दुनिया च घटता जा रहा है। गुरु नानक ने यह ख्याल दिता, तू कितना भी सीख ले, कितना भी सीख ले, फिर भी परमात्मा नूं पूरा सीख नहीं सकेगा, जान नहीं सकेगा। मरदे दम तक तू अपने अंदर एहसास बनाई रख, मैं सिख हां, मैं सिख हां। सीखना कबूल कर लिया, कबूल करदा मैं कुछ नहीं जानता, सिख उसे ही सिख नूं। फिर अगां चल के दसवें गुरु नानक ने सिंह सजा के आख्या, खालसा ए शुद्ध हो गया, पावन हो गया। जिसनों सीखना चाहता सी उसनों प्राप्त कर लिया, ये अंदर नौ नित नाम प्रगट हो गया, ये खालिस हो गया, ये शुद्ध हो गया। पूरन जोत जले घट में तब खालिस कायम निखालिस जाने, ये महान हो गया। मुख्तसर मैं अर्ज करा, जैसे मैं मकान बदलिया तो मैं तो नहीं ना बदलिया, शरीर बदलते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी इस शरीर की घर की कथा नहीं है, इतिहास नहीं है। गुरु नानक का यह शरीर कदों प्रगट होया, किस माता दे राही आए, कौन पिता सी, नहीं है। आपकी सुपत्नी कौन सी, बच्चे किन्ने सन, शरीरक आयु कितनी सी, नहीं है। कोई भरा भी सी के नहीं, भैन भी सी के नहीं, नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी दे इतिहास नहीं है। फिर मैं अर्ज करा, इतिहास भी नहीं है, मिथ के भी गल नहीं की थी गई, बना के गल नहीं की थी गई। एक दफा मैं फिर दोहरावा, 60% इतिहास है रामायण दे, चाहे वह वाल्मीकि है ते चाहे तुलसी की है। कि मैं यथार्थ गल कर रहे हैं, कोई ईरखा वसित नहीं, बिल्कुल उल्टे लोग। 20% रामायण दे मिथिहास है, बना के गल्लां कीतियां ने, और 20% ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान। विद्वान कहते ने 95% बाइबल दे मिथिहास है, इतिहास भी नहीं, मिथिहास है, बनावटी गल्लां ने, उसका की माफ। पुराण पुराणक जड़े प्रसंग ने वो सारे दे सारे मिथिहास ने। जैसे मैं उदाहरण दिया, गौतम ऋषि ने गिल्ला परना मारिया ते चंद्रमा काला हो गया, जड़ा तांबा है, मिथिहास, मिथिहास। हनुमान ने सूरज नो मोह दे च पा लिया ते 3 दिन अंधेरा बनिया रहा, पर उन्हां कोल पुछिए 3 दिन नो किवें ना पिया होवेगा, तुसीं दिन ते है नहीं सी, सूरज नो ते मोह च पा लिया। जमीन नालों 1000 गुणा वड्डा ए सूरज मोह दे च पा लिया। कहण दा एक ढंग सी, इन्हों मिथिहास कहने, बना के एक गल करनी है ताकि मनुख नूं सच्चाई का पता चले। कहानी है, मिथ उर्दू च कहने कहानी, ते पता है कहानी के अखरी अर्थ की ने, कहा नहीं, जो कह दिता है नहीं, है नहीं, आखिर तो है पर वो है नहीं, हकीकत नहीं है, कहानी है। हिंदी च कहने इतिहास नहीं है, मिथिहास है। पुराणक प्रसंग मिथिहास है। सूरज नो मोह दे छपाया हनुमान ने, अंधेरा ही अंधेरा। अगस्त मुनि नो गुस्सा चढ़िया क्योंकि उसकी कुटिया समुंदर ने डोब दिती सी, उछल के 2.5 चुलियां दे चो समुंदर नो पी गया, 2.5 चुलियां। फिर उसने उसनों खारिज कीता,
जिन्ना दिन च रामायण टेलीकास्ट हो रही सी दिखाया ढाई चुड़ियां समुंदर पे गया फिर उसने कढ़िया इस वास्ते समुंदर खारा हो गया इंज खारा है उंज खारा नहीं होना सी इंज खारा है उंज मिठा सी मिथ्यास। ऋषि मांडव का जन्म मेंढकी तो होया है ऋषि गऊ का जन्म कौकड़ का जन्म गऊ तो होया है मच्छंदर नाथ का जन्म मच्छी तो होया है इस तरह कहते हैं। दानवा ते देवतिया ने मिल के समुंदर नो रिड़के ते 14 रतन निकले केड़े समुंदर नो निकले जिथों 14 रतन निकले खीर का समुंदर तो इतिहास नहीं है ऐसा है नहीं मिथ्यास ऐसा बना के गल आती है मनुख नु समझाने वास्ते समझाना है मनुख नु एक पुराना ढंग से समझाने का मिथ्यास। दानवा ने देवत्या ने मिल के हिड़के शेष नाग का नेत्रा बना के सप का नेत्रा बना के सुमेर पर्वत का मदाना बना के हिमालय पर्वत का मंथन किया 14 रतन निकले केड़े 14 रतन निकले उन्होंने गिनती इंज करते हैं श्रीमन रंभा वारणी अमी संख गजराज बिखदन ससी कलपतर धनक धनंतरवाज। श्री लक्ष्मी निकली मन एक खूबसूरत मणि निकली श्री मन रंभा एक रंभा अपछरा निकली निर्दकार श्री मन रंभा वारणी वारणी शराब निकली शराब का कुंभ निकले अमी संख गजराज फिर अमृत का कुंभ निकलिया संख एक खूबसूरत संख निकलिया वड्डा गजराज ऐरावत चिट्टे रंग का एक हाथी निकलिया श्रीमन रंभा वारणी अमी संख गजराज बिखदन जहर का कुंभ भी निकलिया शराब का कुंभ निकलिया अमृत का कुंभ निकलिया जहर का कुंभ निकलिया बिखदन ससी कलपतर कामधेन गौ निकली कल्प वृक्ष निकलिया इस्लामी इतिहास कहते हैं बागे अदन जन्नत का बाग बागे अदन जो मंगो हर दरखत पर मिल जाता है इसनों हिंदू इतिहास कहते हैं कल्प वृक्ष जो कल्पना करो पूरी हो जाती है और थले बैठो जो कल्पना करो पूरी हो जाती बिखदन ससी ससी चंद्रमा निकलिया कामधेन गौ निकली जहर का कुंभ निकलिया कल्पतर कल्प वृक्ष निकलिया धनक धनंतर बाज एक खूबसूरत धनुष बाण निकलिया वैद धनंतर निकलिया जो सिर्फ मनुख का मोह वेख के नबज देख के रोग दस देता बाज एक खूबसूरत अत्यंत खूबसूरत चिट्टे रंग का घोड़ा निकलिया ये 14 रतन समुंदर नु मंथन करके ये 14 रतन निकले हुण ये मिथ्यास है इतिहास नहीं है ये मैं अर्ज कर रहा हूं ये सिद्धांत भी नहीं है ये इतिहास भी नहीं है मिथ्यास है। मिथ्यास की फिर की लोड़ पै गई ऋषि मुनिया अवतारी पुरुषा नूं क्योंकि जिन्होंने पुराण लिखे ने सारे मिथ्यास बाइबल विच इतना मिथ्यास हदीसां विच मिथ्यास इन्ना मिथ्यास मिथ के गल की कहानी है हकीकत नहीं है। दरअसल मनुख दे समझण दा ढंग ही है मनुख
त्रेते रिच, जो जो पीछे जाओगे बौद्धिक तौर पे इतना उन्नत नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दिया। इस चक्कर च ना पैना पिछला युग महान होता सी, कख नहीं महान होता सी। जिवें भेड़ा बकरियां दिया मंडियां लगदियां ने, स्त्री पुरुषां दिया मंडियां लगदियां सी, मनुख बेचे जांदे सी। जिवें रस्सियां दे बन के गौवां ते मझां नूं घोड़ियां नूं लगाम पा के तोरी दा, इस तरह ही मनुखां नूं तोरदे सी। ऐसे ऐसे तसीहे लिखे हुए ने, मनुखां नूं तड़पा के जिवें मारिया जांदा सी, जैसे जैसे पिछे जाओगे कुछ दुनिया ठीक नहीं सी। सहजे सहजे सुधार होया, सहजे सहजे बौद्धक विकास होया, समझण दा ओह ढंग सी, सिद्धी गल मनुख समझ नहीं सकदा सी, पकड़ नहीं सकदा सी। अज दा मनुख सियाणा हो गया, बुढ़ा हो गया, सियाणा हो गया। गुरु नानक ने मिथिहास नूं अगे नहीं कीता, गुरु ग्रंथ साहिब विच मिथिहास नहीं है, फिर दूसरा इतिहास भी नहीं है। इस परपंच में साचे नाम की बड़ाई, मत को धरो गुमान, केवल सच दी गल है, परमात्मा दी गल है, सिद्धांतिक गल है, कोई इतिहास नहीं। इतिहास ग्रंथ साढ़े सूर्य प्रकाश अक्सर हिंदुस्तान दे गुरुद्वारे शाम नु कथा होंदी है, वह इतिहास गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं है। मिथिहास गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं है, केवल ते केवल सिद्धांत है, सच्चाई है, सत्य वचन। ये जो ऋषि मुनिया ने कहा है, इस मिथिहास नो भी सिद्धांतिक रूप विच पता है कौन बयान कर देने हैं? सता ब्रह्मंड। ये गुरु घर के कीर्तनी सन, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सतगुरां की बाणी, भगतां की बाणी, भट्टां की बाणी, फिर दो कीर्तनियां की बाणी, सता ब्रह्मंड, ये दोवें कीर्तनियां सन। जिन बासक नेत्रे गत्या करने ही तां, जिन समुंद विरोलिया कर मेर मथान, 14 रतन निकालियां नु की तौन चाना, घोड़ा कीर्तन सहजदा जद कियो पलाण, कलविक ध्रुवन दार सा चरियारे बाण, धनक चढ़ायन धर्म दा जस हंदा वाण, सता ब्रह्मंड। गुरु अमरदास की उपमा करदे कहंदे ने, हे गुरु अमरदास, तुसी इस जीवन दे खीर सागर नु रिड़के, यही सागर है, यही सागर है। मैं इस वास्ते खुलासा कर रहे हैं, संसार सागर है, पानी का सागर है, जीवन सागर है, ताकि गल पूरी पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए।